भाइयों और बहनों, आजादी के अमृत काल में भारत के विकास में सभी की भागीदारी हो, सबका प्रयास हो, इसके लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे दिव्यांग साथी, उनको कदम कदम पर मुश्किलें उठानी पड़ती थी, हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हमारे दिव्यांग साथियों की दूसरों पर निर्भरता कम से कम हो। इसलिए हमारी करेंसी में, सिक्कों में दिव्यांगों की सुविधा के लिए नए फीचर जोड़े गए हैं। देश भर में दिव्यांगों की पढ़ाई से जुड़े कोर्स को अधिक समृद्ध किया जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों को, बसों, रेलों और दूसरे दफ्तरों को दिव्यांगों के लिए फ्रेंडली बनाने पर बल दिया जा रहा है। दिव्यांगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद दिक्कत कम हो, इसलिए कॉमन साइन लैंग्वेज भी विकसित की गई है। देश के करोड़ों दिव्यांगों को जरूरी उपकरण भी मुफ्त दिए गए हैं। आज भी बेंगलुरु में जिस आधुनिक सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हुआ है, वहां ब्रेल मैप और विशेष साइनेज बनाए गए हैं। सभी प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करने वाले सबवे में रैंप की सुविधा भी दी गई है। मैसूरू में तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग एक बहुत बड़ी सेवा दे रहा है। ये संस्थान देश के दिव्यांग मानव संसाधन को सशक्त भारत के निर्माण की अहम ताकत बनाने में मदद करे, इसके लिए आज सेंटर ऑफ एक्सलेंस का उद्घाटन हुआ है। जो साथी बोल नहीं सकते, ये सेंटर उनकी समस्याओं के बेहतर इलाज से जुड़ी रिसर्च को प्रोत्साहित करेगा। ऐसे साथियों का जीवन बेहतर बनाने और उनके सशक्तिकरण के समाधान देगा।